बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मालिक शाहज़ाद और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम पढ़ते रहेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैंने वीलॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं। मैं वीलॉग अपलोड करने से पहले वीलॉग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखता हूं और उसके बाद उसको अपलोड करता हूं, क्योंकि मेरे वीलॉग्स फैमिली व्यूएबल होते हैं। आप भी वीलॉग देखिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीलॉग का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। तो चलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तरफ। ओके, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फिर हम ये चेक करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कोई भी रिलेशन फंक्शन होता क्या फंक्शन है या नहीं। एरो डायग्राम्स बनाएंगे फंक्शन की, रेंज करेंगे, ग्राफ बनाएंगे फंक्शन का, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे और उसके बाद कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे फंक्शन की। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो रिलेशन क्या, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन का, फंक्शन एक स्पेशल किस्म का रिलेशन होता है, ठीक है। और रिलेशन एक दफा आपका मैं रिवाइज करवा दूं, रिलेशन क्या होता था आपको पता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कोई से दो सेट्स का, उनका कोई भी सबसेट हो जाए उसको हम रिलेशन कहते थे। रिलेशन के लेक्चर में हमने ये सीखा था। अब फंक्शन क्या होता है? ये भी एक स्पेशल किस्म का क्या होता है? रिलेशन होता है। स्पेशल किस्म का फंक्शन एक रिलेशन होता है जो दो बातों को फॉलो करता है, एक ये वाली बात और दूसरी ये वाली बात। तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करवा दूं कि जो भी रिलेशन होता है ना उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये तो आपको पता है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं। हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक फर्स्ट वाला एलिमेंट और एक सेकंड वाला एलिमेंट। ये फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्स को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के अंदर और सेकंड वाला एलिमेंट वाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बात तो आपको पता है ना। तो ये जो दो बातें लिखी हुई हैं इनको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली वो क्या कह रहा है, लेट्स सपोज हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ये हमारी पहली एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिफाइन फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई। मतलब एक्स हमारे पास पहला सेट है और वाई हमारे पास दूसरा सेट है, बात समझ गए हो? ओके, और उसने हमें तीन रिलेशंस दिए गए हैं और कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन को चेक करने के लिए मैंने बताया आपको दो बातें हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है, फंक्शन के अंदर। तो चेक करो, टू फर्स्ट पे आ रहा है तो दोबारा फर्स्ट पे टू नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो, अब टू फर्स्ट पे आ रहा है, यहां पे टू था यहां पे फोर है, रिपीट नहीं हो रहा टू फर्स्ट प्लेस पे। अब टू यहां पे आ रहा है फर्स्ट पे, यहां पे फर्स्ट पे फोर है, ठीक है, टू रिपीट नहीं हो रहा, टू नहीं आ रहा यहां पे भी, टू नहीं आ रहा यहां पे। देखो फोर फर्स्ट पे आ रहा है, यहां पे अगेन फोर फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पे रिपीट हो रहा है, फोर फर्स्ट पे यहां पे भी आ रहा है, फर्स्ट पे यहां पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये वाला तो रिलेशन, सॉरी फंक्शन नहीं हो सकता। अब देखो टू यहां पे आ रहा है और टू आगे नहीं आ रहा फर्स्ट पे, फोर यहां पे आ रहा है फोर आगे नहीं आ रहा, फाइव है तो सारे, यानी कि फर्स्ट पे हमेशा यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाली जो ऑर्डर पेयर होता है ना, मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर पेयर के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट वाले की मैं बात कर रहा हूं कि जो फर्स्ट वाला होता है उस पे रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट। और दूसरा पॉइंट क्या है फंक्शन का, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर। तो एक्स मैंने आपको बताया दो सेट्स होते हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट वो ये कह रहा है कि तीन, देखो मेरे पास पॉइंट्स है ना, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, इसका मतलब फंक्शन के अंदर तीन जो है ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तीन से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकते। ये एक बात आप याद रख लो, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताई है। और ये जो दूसरा पॉइंट है वो आपको ये बता रहा है कि जो है ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे ना उसके अंदर तीन, उसमें पहला वाला एलिमेंट टू होना चाहिए, दूसरे वाले ऑर्डर का सेकंड वाला एलिमेंट फोर होना चाहिए, तीसरे वाले जो ऑर्डर पेयर है उसका एलिमेंट फाइव होना चाहिए। तो ये वाले तीन एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। अब यहां पे देखो पहले वाला एलिमेंट क्या है, टू, दूसरे वाला एलिमेंट क्या है, फोर, लेकिन जो है हमारे पास थर्ड ऑर्डर पेयर नहीं है फाइव वाला, ठीक है, फाइव वाला ऑर्डर पेयर है ही नहीं हमारे पास जिसका पहला एलिमेंट फाइव हो। तो इसका मतलब ये वाला भी फंक्शन नहीं हो सकता, ये पहले ही हमने काट दिया, ये फंक्शन नहीं हो सकता, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो टू भी मिल गया मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे, फोर भी फर्स्ट पे मिल गया, फाइव भी फर्स्ट पे मिल गया, इसका मतलब ये वाला जो आर थ्री है ये एक फंक्शन है और ये वाले दोनों फंक्शन नहीं है, क्लियर। तो फाइनली हम कंक्लूड क्या करते हैं कि फंक्शन एक स्पेशल किस्म का रिलेशन होता है जिसमें कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है, और जो एक्स सेट होता है यानी कि जो पहला सेट होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट प्ले ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होना जरूरी है, ठीक है।
ओके जी, उसके बाद हमारी ये सेकंड एग्जांपल है। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करवाऊं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। हमें हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया गया तो हमेशा की तरह आपको पता है कि क्वेश्चन में से फजूल चीज़ें मैं रिमूव करता होता हूँ, ठीक है, ताकि उसको सॉल्व करने में मुझे आसानी हो। एंड रिमूव किया, एंड द बाइनरी रिलेशन आर एंड एस फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब कि हमने दो बाइनरी रिलेशन है आर और एस, ठीक है, वो मुझे पता चल गया। उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे आर के अंदर वो ए क्रॉस बी के होंगे, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास आर की कंडीशन आ गई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, यूं करके मिटाया, और ये मेरे पास एस की कंडीशन आ गई। आगे मैंने क्वेश्चन में करना ये है, ये ए पार्ट है क्वेश्चन का और ये वाला क्वेश्चन का बी पार्ट है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्वेश्चन की कुछ शक्ल आ गई है सामने, ठीक है। अब कह रहा है मेरे पास ए सेट है 4 5 6, बी सेट है 5 6। तो आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें फर्स्ट वाला पार्ट एक्स होता है, आपको पता है एक्स फर्स्ट वाला पार्ट दूसरे के इक्वल भी हो सकता है और दूसरे से ग्रेटर होगा, ठीक है। और एक्स एस के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जो दूसरा रिलेशन है उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से अगर हम माइनस करें, ठीक है, तो वो टू के ऊपर डिवाइड आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट आर एंड एस एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो सबसे पहले हम आर और एस के ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो ये आर इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, या सबसे पहले यार हम एक काम करते हैं, ये जिससे ज्यादा आसान हो जाएगा, हम यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, आपको पता है क्रोकार्टियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, 4 को 5, मतलब कार्टिकियन प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट वीडियोस में हम करते आए हैं। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी कार्टिकियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, 4 को पहले 5 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 5 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ, 5 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ, उसके बाद 6 को 5 के साथ, 6 को 6 के साथ, 6 को 5 के साथ, 6 को 6 के साथ, इस तरह करके हमने कार्टिकियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। उसके बाद आर इज इक्वल्स टू, आर रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, ये भी हम अपने क्वेश्चन का पार्ट ए कर रहे हैं, कौन से ऑर्डर इसका है, इसमें हमने आर और एस के ऑर्डर पेयर लिखने हैं। तो आर के अंदर क्वेश्चन में उसने क्या कहा, कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों इक्वल है। तो देखो इक्वल कहाँ पे है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ये 5 और 5 इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये देखो 6.6 इक्वल है, तो यहाँ पे 6.6 दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट एक्स वाई दोनों इक्वल है, तो लिख दिया हमने। उसके बाद कह रहा है इक्वल वाले तो हो गए, फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड वाले पार्ट से ग्रेटर है, वो वाले पार्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेकंड से लेस है, फर्स्ट पार्ट सेकंड से लेस है, दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड से लेस है, फर्स्ट पार्ट सेकंड से ग्रेटर है, इसका मतलब 6.5 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों इक्वल है, तो ये तो आ गए मेरे पास क्या, आर के रिलेशन, सॉरी आर के ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में, आर के भी करने हैं और एस के भी करने हैं, तो अब हम एस के ऑर्डर पेयर लिखते हैं। तो एस के ऑर्डर पेयर की उसने क्या कंडीशन दी है कि जब तुम फर्स्ट वाले पार्ट को सेकंड में से माइनस करो, ठीक है, तो वो 2 के ऊपर डिवाइड होना चाहिए, 2 के टेबल में आना चाहिए। तो फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करते हैं, क्या आता है 1, 1, तो 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 4 को 6 में से हम माइनस करें तो क्या आता है -2, ठीक है, तो -2 तो 2 के टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1, तो ये वाला ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये देखो 5 में से 5 को माइनस करें तो क्या आता है 0, तो 2 0s are 0, 2 के टेबल में आता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5, ये वाला ऑर्डर पेयर भी हम लिख देते हैं। उसके बाद 5.6, 5 को 6 में से माइनस किया तो -1 आता है, -1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 6 में से 5 को माइनस करें तो 1 आता है, 1 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 6 में से 6 को माइनस करें तो क्या आता है 0 आता है, तो 6.6 यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट था क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व कर लिया, आर के भी ऑर्डर पेयर लिख दिए और एस के भी ऑर्डर पेयर लिख दिए, क्लियर। तो ये अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के पास, कह रहा है सेकंड पार्ट में इंडिकेट वेदर आर और एस इज अ फंक्शन, आपने चेक करना है आर रिलेशन और एस फंक्शन, क्या ये दोनों फंक्शन हैं या नहीं। ओके तो फंक्शन की आपको पता है क्या डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताई थी कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 आगे फर्स्ट प्लेस पे 5 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा 6, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस के 6 आ रहा है, इसका मतलब ये तो फंक्शन नहीं हो सकता, आर इज नॉट अ फंक्शन। एस पे आते हैं 4, 5 और 6, देखो सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स यूनिक हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या थी डेफिनेशन में, कि जो एक्स सेट है पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स फर्स्ट प्लेस पे होना लाजमी है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था 4, 5 और 6, तो देखो 4 भी फर्स्ट पे आ रहा है, 5 भी फर्स्ट पे आ रहा है और 6 भी फर्स्ट पे आ रहा है, इसका मतलब एस फंक्शन है और आर फंक्शन नहीं है, एस फंक्शन की दोनों जो पॉइंट्स थे उन दोनों को जो है फुलफिल करता है, क्लियर। ओके उसके बाद हम ये सीखेंगे कि फंक्शन की हमें कैसे पता चलेगा एरो डायग्राम कौन सी होती है,
ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया गया, थर्ड हमारी एग्जांपल है, बीच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स डिफाइन फंक्शन फ्रॉम इस सेट से इस सेट पे, हमें दो सेट्स हैं, एक्स इज इक्वल टू 2, 3, 4, 2, 4, 5, वाई इज इक्वल टू 1, 2, 4, 6, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो फंक्शन एरो डायग्राम में फंक्शन की ये निशानी है कि जो फर्स्ट वाला सेट होता है ना उससे ईच वन मस्ट, यानी कि एक एरो ठीक है हर एलिमेंट से जनरेट होना लाजमी है, और एक ही हो सकता है हर एलिमेंट से, दो एरो जनरेट नहीं हो सकते। तो ये दो डायग्राम उसने दिए, चेक करके बता रहा कि बताओ, टिक लगाओ उसके ऊपर जो फंक्शन की एरो डायग्राम है और क्रॉस लगाओ उसके ऊपर जो फंक्शन की एरो डायग्राम नहीं है। तो हम देखेंगे क्या रूल है हमारा, ईच वन मस्ट, यानी कि हर एलिमेंट से एक एरो निकलना लाजमी है, ठीक है, और एक से ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी पॉइंट से। तो यहाँ पे देखो, टू से एक एरो निकल रहा है, ठीक है, फोर से एक एरो निकल रहा है, ठीक है, फाइव से एरो नहीं निकल रहा, इसका मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है, सॉरी ये वाली जो एरो डायग्राम है वो फंक्शन की नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आओ, टू से एक एरो निकल रहा है, ठीक है, फोर से दो एरो निकल रहे हैं, हमने कहा ईच वन मस्ट, यानी एक ही हो सकता है, एक ज्यादा एरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सालों से तो एरो निकल रहे हैं लेकिन फोर से टू एरो निकल रहे हैं, तो हम कहते हैं ये भी हमारा जो है एरो डायग्राम फंक्शन की नहीं है। क्लियर, ओके जी। उसके बाद हमारी फोर एग्जाम्पल है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, वाई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, कह रहा है डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बाय एन एरो डायग्राम, यानी कि आपको दो सेट्स दिए गए हैं और आपको कह रहा है कि फंक्शन की एरो डायग्राम बना के दिखाओ। तो एरो डायग्राम आपको पता है हम कैसे बनाते होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेट बनाते हैं, इसका नाम हम रखते हैं एक्स और इसके अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इसी तरह हम एक और यहाँ पे सेट बनाते हैं वाई के लिए और उसके अंदर अभी हमने क्या करना है, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो एक एक्स सेट के क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी, तो यहाँ पे लिखा ए बी और सी। वाई सेट के क्या एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यहाँ पे 3 और ये 4 आ गया। तो ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए। उसके बाद अब आपने एरो डायग्राम किसकी बनानी है, फंक्शन की। तो फंक्शन की एरो डायग्राम का क्या है कि ईच वन मस्ट, यानी कि फर्स्ट वाले सेट से, हमें सिर्फ फर्स्ट वाले सेट से गर्ज होती है, एक्स से गर्ज है, इससे कोई नहीं है, ठीक है। तो इससे कहता है कि एक एक एरो सबसे जनरेट होना चाहिए, तो एक एरो ये हमने जनरेट कर दिया, ये हमने एक और एरो जनरेट कर दिया और ये हमने एक और एरो जनरेट कर दिया। तो ये देखो क्या कंडीशन थी एरो डायग्राम की, कि ईच वन मस्ट, यानी कि हर एलिमेंट जो होगा उसके अंदर उसे एक एरो जनरेट होना मस्ट है और एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा जनरेट नहीं हो सकते। तो ये मैंने एक एरो डायग्राम बना ली और उसके बाद इस तरह करके मैं लाइन लगाता हूं और उसके ऊपर लिख लेता हूं कि ये फंक्शन की एरो डायग्राम है। क्लियर, अब बिल्कुल मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूं, मैं वन को ए से कर देता हूं, ठीक है, और बी को मैं फोर से कर देता हूं और सी को मैं टू से कर देता हूं, ये भी एक फंक्शन की एरो डायग्राम है। वो क्यों, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, हमें ये सिखाया गया ईच वन मस्ट, यानी कि जो एक्स सेट है उससे एक एरो होना लाजमी है, ठीक है, एक एरो होना लाजमी है, ऐसा नहीं हो सकता कि ए से जो है दो एरो जनरेट हो रहे हों, एक एलिमेंट से दो जनरेट हो, एक जो एलिमेंट है फर्स्ट वाले सेट का उससे एक एरो जनरेट होना मस्ट है, ठीक है, और सब एलिमेंट से जो फर्स्ट सेट के हैं उससे एरो जनरेट होगा, मस्ट होगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है, इसमें हम ये सीखेंगे कि हम फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमें तीन जो फंक्शंस दिए गए एफ जी और एच, और कहा गया एक्स सेट 2, 4, 5 के इक्वल है, वाई सेट 1, 2, 4, 6 के इक्वल है। तो एफ हमारे पास एक सबसे पहले फंक्शन है, एरो डायग्राम है, तो एरो डायग्राम से हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो सेकंड वाला सेट होता है ना इस पे जिसके ऊपर एरो के हेड आ रहे होते हैं वो हमारी रेंज के अंदर आते हैं। अब देखो 1 के ऊपर आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 लिख लूंगा, 6 के ऊपर आ रहा है तो कोमा 6 कर लूंगा। तो ये हमारे पास इस एरो डायग्राम की फंक्शन की जो रेंज है वो इस तरह करके फाइंड करते हैं, ठीक है, 1, 6 आ गया। क्लियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है जी, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो ये मेरे पास जी फंक्शन है एक, ठीक है, तो इसकी मैं आपको वैसे डोमेन भी फाइंड करना सिखा देता हूँ। तो डोमेन आपको पता है ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना वो डोमेन में आते हैं। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, 2, 4 और 5, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, 2, 4 और यहाँ पे 5। और इसकी फिर रेंज क्या होगी, जो सेकेंड वाले ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 6, 2 और 1, तो इसकी रेंज क्या आई, 6, 2, 1, ठीक है, डोमेन होगी 2, 4, 5 और रेंज 6, 4, 6, 2, 1, या इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, सीक्वेंस में लिखें 1, 2, 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और लास्ट में जो है वो याद करवा दूं कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये वाला जो एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर, ओके। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है एच, वही सारा क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी मैंने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। वैसे रेंज का ही कहा गया था, हम डोमेन भी फाइंड कर लेते हैं। तो जब आपको इस तरह का फंक्शन आता है ना, ये बेसिकली इस तरह करके होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
ठीक है, ये एच ऑफ यहाँ पे आ रहा है, तो जो ब्रैकेट्स में होता है वो एक्स होता है और ये वाला वाई होता है, ये एक्स है और ये वाला वाई है, ये एक्स है और ये वाला वाई है, ठीक है। तो डोमेन में आपको पता है फर्स्ट वाला पार्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट वाले पार्ट को हम एक्स कहते हैं, तो ये एक्स वाला 2, 4 और 5, तो इसकी डोमेन क्या आ गई 2, 4 और यहाँ पे 5, बात समझ आ गई। और फिर रेंज क्या होती है, जो वाई वाला पार्ट होता है 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,4, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी डोमेन होगी, क्लियर। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि ये फंक्शन है, इसकी डोमेन रेंज फाइंड करके दिखाओ, किसी तरह से भी आ सकता है, आपको एरो डायग्राम दी जा सकती है, इस तरह करके दिया जा सकता है, या कोई रिलेशन की फॉर्म में बना हुआ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया जा सकता है, कहा जाएगा इसकी डोमेन या रेंज फाइंड करके दिखाएं, क्लियर। ओके नेक्स्ट, उसके बाद अब हम ये सीखेंगे कि हम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी है एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें हमें ये कहा गया है कि आपने ग्राफ बनाना है इस फंक्शन का या इस रिलेशन का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे x और y रियल नंबर्स हैं, और फिर आपको ये भी चेक करके बताना है कि क्या ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं, क्लियर। अब देखो उसने फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो हम अपने पास एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जो ग्राफ के पॉइंट्स के लिए हमें हेल्प करेगा, ग्राफ बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम टेबल बनाते हैं, आपको पता है ग्राफ में दो पॉइंट्स होते हैं, दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम ये रियल नंबर्स हैं एक्स और वाई के, तो हम -3 से स्टार्ट करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और यहाँ पे 3, हम एक्स की ये वाली जब वैल्यू रखेंगे तो उसके अगेंस्ट वाई की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो क्या हमारे पास ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, ठीक है। यानी जब एक्स -3 होगा तो स्केयर इसका लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या बनती है वैल्यू 9, जब एक्स -2 होगा तो स्केयर लेंगे तो 4, -1 होगा तो 1 होगा, 0 होगा तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जब 3 होगा तो उसका स्केयर 9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक ग्राफ, मैंने टेबल बना लिया, और उसके बाद मैं इस तरह करके लाइनें लगा लेता हूँ ताकि ये मुझसे मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास टेबल आ गया, अब हम क्या करेंगे, सिंपल पहले ग्राफ बनाएंगे, कितना डिस्टेंस है पॉइंट्स के दरमियान, -3, -2, -1, देखो 1 का डिफरेंस है, देखो 1 के बाद 2, 3, तो 1 के डिस्टेंस से मुझे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले मैंने ये देखना है कि मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, तो देखो माइनस एक्स एक्सिस में माइनस वाले नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस में देखते हैं तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 से ऊपर ऊपर बनेगा ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये ग्राफ बना लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये जो है वो जो है माइनस वाई एक्सिस है, क्लियर। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई एक्सिस सिर्फ पॉजिटिव में यानी ऊपर वाला हिस्सा यूज होगा, तो मैं अगर इस लाइन को यहाँ पर ले आऊँ तो ये आई थिंक ज्यादा सही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे, अब ये y एक्सिस माइनस का ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस, उसके बाद जस्ट मैंने देखो 1 का डिस्टेंस ना ग्राफ में, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स करने हैं, तो कितना, सबसे पहले देखो मैक्सिमम -3 है और मिनिमम -3 है, तो इसका मतलब ये वाला तो आपको पता है, यहाँ पे ये वाला जो होता है ये यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये क्योंकि माइनस की तरफ है, ये आ जाएगा -1, ये -2 और ये वाला जो पार्ट है वो -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये करके 3, ये ग्राफ बनाना तो आपको आता है ना, ठीक है। ओके उसके बाद आप वाई एक्सिस के हम पॉइंट्स लगाते हैं, तो 0 से लेके 9 तक बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर मेरे पास 9 है, तो ये मैंने किया 0 तो नीचे है ना, ये 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आ गया मेरे पास 9। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, मैंने जब x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू -3 यहाँ पे है, ठीक है, और y की 9 है, तो कौन सा पॉइंट आया मेरे पास, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद जब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू -2 ये थी और y की वैल्यू 4 ये है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू जब -1 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये देखो ये x की वैल्यू -1 थी, ये माइनस एक्स एक्सिस पे, वाई की वैल्यू 1 ये यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद जब एक्स की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू भी 0 है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की भी 0 है। उसके बाद जब एक्स की वैल्यू 1 है, तो वाई की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 ये है
है, वाई की ये है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जब एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 4 यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 9 है, तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू यहाँ पे है 9, ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। अब उसने कहा था कि ये रियल नंबर्स का है, तो याद करो स्टार्ट में मैंने जब आपको बताया था रियल नंबर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो कॉन्टिन्यूस होता है, तो हम इससे जो लाइन खींचते हैं इस तरह करके बना लेते हैं, ठीक है, और यहां से इसके इस तरह करके हम ये लाइंस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर्स का ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ बना है, ठीक है। अब ग्राफ तो बन गया, सेकंड पार्ट उसने क्या कहा था, ग्राफ बनाने के बाद आपने ये चेक करना है कि क्या ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। तो ग्राफ की जो चेक करने के लिए ग्राफ से कि वो फंक्शन का है या नहीं, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। तो याद रखें ये वाली जो लाइन होती है इसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट करना होता है। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को हम एक यूं करके खींचते हैं किसी भी पॉइंट पे, वर्टिकल लाइन अगर वो एक तरफ सिर्फ एक दफा उसको कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो फंक्शन का होता है, अदरवाइज फंक्शन का नहीं होता। तो चलो हम एक यूं वर्टिकल लाइन खींचते हैं, देखो ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन का है, ठीक है। एक और हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं, तो देखो एक और लाइन खींची, ये भी जो है ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कोई भी वर्टिकल लाइन आप ग्राफ के ऊपर खींच सकती हो, अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन का है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं है, वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, क्लियर। तो यहां पे आप फिर लिख सकते हो कि इस वर्टिकल लाइन टेस्ट है, क्योंकि वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे टेस्ट कर इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो फंक्शन का है, डन। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन पी फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर का ये पी रिलेशन है, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, इसके अंदर मतलब ये वाले ऑर्डर पेयर आएंगे, पी के पी बिलो एक्स वाई बिलोंग्स टू पी, मतलब ये वाले ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है, और उसकी कंडीशन उसने क्या दी है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो आपने ये बताना है कि क्या पी फंक्शन है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस सारे क्वेश्चन के अंदर हमें बस यही बात समझ में आई कि ये कंडीशन उसने दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने टेबल बनाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने टेबल बनाया था, उसी तरह यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे x और यहाँ पे हमने अब बेसिकली ऐसे नहीं है, अब यहाँ पे y आएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू y का स्केयर आएगा यहाँ पे। ये उसने अब क्या है कि y की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो उसी तरह मैं क्या करता हूँ, -3 -2 -1 0 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मैंने y की वैल्यूज अपने पास एक्सपोज कर ली। अब x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू y का स्केयर, तो -3 है ना, y का स्केयर दूं तो क्या आ जाएगा 9, -2 है ना, तो इसका स्केयर लूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4, -1 है ना, स्केयर दिया 1 आ जाएगा, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9, ठीक है। अब मैंने उसी तरह करके ग्राफ बनाना है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बनाया था। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि x की, अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस यूज नहीं होगा, और वाई में देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी यूज हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी यूज हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लाइंस लगा ली हैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये वाला मेरे पास माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने माइनस एक्स एक्सिस को स्मॉल रखा है, उसकी क्या रीजन है, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, जीरो नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट ही रखा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो जीरो होगा, कितना डिस्टेंस है वैल्यूज में, वन वन का डिस्टेंस है, -1 -3 -2, तो वन वन का डिस्टेंस हुआ ना मिनिमम, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 और यहाँ पे 9, क्योंकि x एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू 9 थी, ठीक है। अब y एक्सिस के लिए करते हैं, तो -3 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, तो ये 0 है, ऊपर आपको पता है पॉजिटिव 1 y एक्सिस होता है, 1 2 और यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद ये हो गए, उसके बाद -1 -2 -3, तो माइनस एक्स वाई एक्सिस ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, अब जस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो जब एक्स की वैल्यू -1 हो, -9 होगी, वाई की वैल्यू -3 होगी, तो ये एक्स की वैल्यू माइनस सॉरी एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू -3 है, तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा,
ये पॉइंट आ गया, उसके बाद x की वैल्यू 4, ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2, तो ये 4 और यहाँ पे -2, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू जो -1 है वो ये है, ठीक है, ये देखो -1 लिखा हुआ है y की जगह। उसके बाद x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की भी 1, तो x की वैल्यू 1 ये है, y की ये 1 है, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 4, y की 2, x की वैल्यू 4 ये है, y की 2 ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 9 है, y की 3 है, तो x की वैल्यू ये 9 है और y की 3 यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गया, ठीक है। क्योंकि अब उसने कहा है कि ये रियल जो नंबर्स का एक्स वाई रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स का ग्राफ है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइंस को आपस में इस तरह करके जोड़ देंगे, तो ये हमने लाइंस को इस तरह करके जोड़ दिया, तो ये हमारे पास इस जो रिलेशन था इस इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ आ गया। अब उसने कहा है क्या पी फंक्शन है, एक्सप्लेन करो इसको, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इधर लिखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे। तो ये हमने वर्टिकल लाइन लगाई, तो देखो ये क्या कर रहा है, वर्टिकल लाइन एक यहाँ पे इस ग्राफ को टच कर रही है, ठीक है, एक यहाँ पे टच कर रही है इसको और एक दफा यहाँ पे टच कर रही है इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया है, क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो जगह पे टच कर रही है, जबकि पिछले ग्राफ में एक ही जगह पे टच कर रही थी, तो वो हमने कहा था कि ये जो ग्राफ है वो फंक्शन का है, ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह पे टच कर रही है, तो जब वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह पे टच करती है तो हम कहते हैं कि ये ग्राफ जो है वो फंक्शन का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल्ड बिकॉज द लाइन इज इन दिस वर्टिकल लाइन इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट टू पॉइंट्स, क्लियर, ओके। तो उसके बाद आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कहा जाएगा सारे आपने फंक्शंस फाइंड करने हैं, आपके पास एक ये सेट है और एक ये वाला सेट है, तो अगर हम इसको एरो डायग्राम से करें तो वो ज्यादा आसान होगा। तो एरो डायग्राम, ये मेरे पास एक्स सेट आ गया और ये वाला मेरे पास वाई सेट आ गया। आपको पता है एक्स सेट में ए और बी एलिमेंट्स हैं, वो लिख दो, यहाँ पे वाई सेट में यू और वी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, जस्ट एरोज हमने बनाने हैं, तो ये हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कि ये मेरे पास फंक्शन है। तो एरो डायग्राम से फंक्शन का आपको पता है कि फर्स्ट सेट से सारे एरोज जनरेट होने चाहिए सब एलिमेंट्स के लिए, लेकिन एक एलिमेंट से एक एरो होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले इससे मैंने एक एरो निकाल दिया और इससे भी एक एरो निकाल दिया, तो ये मेरे पास पहला फंक्शन हो गया। तो उसके बाद हमने इसी डायग्राम को दोबारा उसी तरह बनाया, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, ये ऐसे करके ऐसे, यानी अब देखो वही कंडीशन फुलफिल हो रही है कि फर्स्ट जो सेट है उससे हर एलिमेंट से एक एक एरो लाजमी जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने उसी डायग्राम को दोबारा बनाया और अभी मैंने इसको ऐसे और उसको ऐसे किया ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इससे मैं इसके ऊपर ले आता हूँ और इससे भी मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, तो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना एरो डायग्राम की, आपको मैंने बताया कि फर्स्ट सेट से एक एरो लाजमी जस्ट होना चाहिए, निकलना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, ठीक है, और एक ही होना चाहिए, डबल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हम इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं और मैंने अभी दोनों को इसके ऊपर लेके आया हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लेके आ सकता हूँ ऐसे करके। अब देखो वही कंडीशन फुलफिल हो रही है कि फर्स्ट सेट से एक एरो लाजमी जनरेट होना चाहिए सब एलिमेंट से, तो सारे एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के हैं उसे एक एक एरो जनरेट हो रहा है, तो ये पॉसिबल फंक्शन थे, हमने एरो डायग्राम से बना के इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एरो डायग्राम से इजी होता है क्योंकि फर्स्ट सेट में जस्ट हमें यही देखना होता है कि सारे एलिमेंट से एक कैरो निकलना चाहिए, तो ये देखो फर्स्ट एलिमेंट था इससे एक कैरो निकला था, इससे भी निकला था, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से एक कैरो निकल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट से एक कैरो निकल रहा है, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट से एक कैरो निकल रहा है, ठीक है, ओके। तो आपको फंक्शन के बारे में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने फोर बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, एक्स आपके पास सेट है, वाई आपके पास सेट है, जो कि फंक्शन नहीं है, तो इसी को भी हम क्या करते हैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उसी तरह हमने एक सेट बनाया एक्स का और इसके अंदर हम इसके एलिमेंट्स लिखते हैं ए कोमा बी, वाई का हम फिर एक और इसी तरह का सेट बना लेते हैं और इसके अंदर वाई के एलिमेंट्स लिखते हैं यू कोमा वी और इसके ऊपर हम इस तरह करके लाइन लगाते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं कि ये हमारा पैरा रिलेशन है। अब फंक्शन नहीं बनाना, ठीक है, फंक्शन नहीं बनाना, तो कोई से चार हमने यूं करके बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक इस अल्फाबेट से एक एरो निकाल दिया, इस अल्फाबेट से एक और एरो निकाल दिया, तो ये मेरे पास जो है पहला बन गया है कि ये एरो डायग्राम है, पैरा रिलेशन जो कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की आपको पता है हर एरो से एक एक ही एरो निकलना चाहिए हर एलिमेंट से, तो ए से दो निकल रहे हैं, ठीक है।
तो उसके बाद ये हमारे पास हमने दोबारा बनाया, इसको मैं कहता हूँ आर टू। अब यहाँ पे मैंने ए से दो एरो निकाले थे ना, बी से दो एरो निकाल देता हूँ, ये लो अब बी से दो एरो हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी फिर फंक्शन नहीं है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा हमने वही डायग्राम बनाई, इसको हम कहते हैं ये आर थ्री है, तो इससे मैं जस्ट आर से ए से फोर के ऊपर लेके गया हूँ, बी से कोई एरो जनरेट नहीं हो रहा, जबकि फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि पहले सेट के हर एलिमेंट से कोई ना कोई एरो जनरेट होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद लास्ट हम दोबारा वही वाली डायग्राम बनाते हैं, इसके ऊपर लिखता हूँ आर फोर, ये चौथा रिलेशन है। अब मैं बी से एक और एरो लगा देता हूँ, ए से कोई एरो नहीं जनरेट किया, ठीक है, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि हर फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट से एरो जनरेट होना चाहिए, तो ए से एरो जनरेट नहीं हो रहा, ये भी फंक्शन नहीं है, क्लियर। तो चार जो थे बाइनरी रिलेशन हमने उसकी एरो डायग्राम बना के बता दिया कि ये जो इन सेट के बाइनरी रिलेशन है ये फंक्शंस नहीं है, क्लियर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, नई एग्जाम्पल्स करेंगे फंक्शन की, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना।